नमस्कार, मुँ प्रोफेसर डाक्टर श्रीकांत धर आपको स्वागत करुच्ची। आपण मैंने जानते ओबेसिटी बा मेदबहुलता धीरे धीरे बढ़िवारे लगी। इंडिया स्थान वर्तमान तृतीय अमेरिका और चाइना पर। मदर ऑफ ऑल डिजीज मान सबू रोगर गंताघर कहीपरते ये ओबेसिटी बा मेदबहुलता डायबिटीज कथा कहतु जोटा बढ़ के बर्तमान तृतीय स्थान में आम अच्छे चाइना पर। ब्लड प्रेशर, हार्ट रो प्रॉब्लम, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल अधिका रहा, माने आंठू गंठी बात हवा, एसिड हवा, एवं सबुठ बड़ जिन हूँ जो कैंसर बढ़ुवार कारण यहाँ मुख्य कारण बोली कहुए। तेणु यह दूरे रहापी आमको आज सचेतनता मार्च 4 तारीख प्रतिवर्ष विश्व स्तर में यह जागरण करने सचेतनता करने प्रतिवर्ष पालचु। से आज गोटे शोभा पालन कराइला ओबेसिटी इंडिया तरफ ओडिशा ब्रांच तरफ जहाँ थी लोक मैं अवेयर करने चेषा करूँ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जीवनशैली परिवर्तन, कम कैलोरी युक्त खाद्य खाइबा, ओजन को सीमित रखा, निजर हाइट हिसाब से कैसे ओजन रहा प्रति सचेतन रहा, एवं विषाद ठारु दूरी रहा, फास्ट फूड जंक फूड ठारु दूरी रही निजर ओजन जदि ठीक रखे, सुषम खाद्य रखी स्वास्थ्य ठीक रखापी जो प्रयास से समस्त को सचेतन कले आम जो नन कम्युनिकेबल डिजीज गुड़िक बढ़ी बढ़ी चली आम चेक कर पारिबा। तेणु भविष्यत आमर जो डाटा कहूँ पाखापाखि 40% बर्तमान ओबीज इंडिया 20-40 वर्ष भितर अच्छी। तेणु ये जो आगत पीढ़ीपी जो छोट छुआ पाखापाखि 15-20% पर्यटन ओबीज से देखा आगत पीढ़ीपी जो ये जो आशंका देखा जो एपिडेमिक हवा को जाऊँगी कि एपिडेमिक जो हो सारे कमी कंट्रोल करवाई आम ये प्रयास समस्त सचेतन रुंतु ओबेसिटी समेत मेदबहुलता दूरे रुंतु और सुस्थ रहा। धन्यवाद।